नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सागर जिले की देवरी विधानसभा की देवरी नगर पालिका में, ये पुरानी नगर पालिका क्षेत्र है जहाँ लगातार सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी ताकत के जोर पर यहाँ चुनाव लड़ रही है। रंगदारी भी चल रही है, धमकियाँ भी चल रही हैं, उठा पटक भी चल रही है और वो तमाम दाव पेच है वो चल रहे हैं। तो जाहिर तौर पर हम बात करेंगे यहाँ के एक कांग्रेस के प्रत्याशी से जो एडवोकेट भी हैं और इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। भैया, क्या धमकियाँ मिल रही हैं भाजपा की तरफ? नहीं, भाजपा की तरफ से प्रचार के दौरान हमारे पास अधिकृत परमिशन है। हमारा प्रचार वाहन चल रहा था पिछले 3-4 दिन से, और पर भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं उनके परिवार की ओर से हमारे जो वाहन चालक और जो प्रचार में स्पीकर से जो बोल रहे थे उन्हें लगातार धमकियाँ देकर उन्हें ऑटो से हटाकर भगा दिया गया और उनको देख लेने की धमकी दी गई। इसकी शिकायत मैंने अनुविभागीय अधिकारी को की है और चुनाव आयोग को भी की है। कैसा देखते हैं चुनाव, कौन है वो सबसे जो ये जो धमकियाँ दे रहे हैं वो धनबल में काफ़ी स्ट्रांग हैं और उनका कोई ना कोई यहाँ वो रहते हैं, उनका जनाधार नहीं है, केवल उनके पास पैसे का एक आधार है जिसके दम पे वो देवरी में चुनाव लड़ रहे हैं। कौन सा वार्ड है आपका? हमारा महाकाली वार्ड है, वार्ड नंबर 9। वो अल्केश जैन जी, उनकी पत्नी लड़ रही हैं यहाँ से, नेहा अल्केश जैन, और मैं कांग्रेस का इंडियन नेशनल कांग्रेस से मेरी अधिकृत प्रत्याशी सरिता श्रीवास्तव लड़ रही हैं। इन दोनों के बीच में संघर्षपूर्ण मुकाबला है और जनता का स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है। हाँ, जनता का स्नेह आशीर्वाद मुझे भरपूर मिल रहा है, चूँकि मैं यहाँ, हम लोग यहाँ एस्टेब्लिश हैं। मैं 3 बार पहले यहाँ नगर पालिका का पार्षद रह चुका हूँ, अध्यक्ष रह चुका हूँ, उपाध्यक्ष रह चुका हूँ। 50 वर्षों से मैं नगर पालिका से जुड़ा हूँ जी, और हम मेरे साथ पूरा जनाधार है, और वो जो हमारे विरोधी प्रत्याशी है वो केवल धनबल के आधार पर ही सोचते हैं कि वो यहाँ वार्ड के पार्षदों को, मतदाताओं को खरीद लेंगे और इस तरह से धमकियाँ देकर वो चुनाव जीतना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये कांग्रेस के प्रत्याशी थे जिन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद के उम्मीदवार के पति जो बाहर रहते हैं लेकिन यहाँ जब से आए तो अध्यक्ष के ख्वाब देख रहे हैं, और अध्यक्ष के ख्वाब जब देखेंगे जब वो पार्षद का चुनाव जीतेंगे, और ख्वाब देखते देखते बाकायदा धमकियाँ चल रही हैं, बाकायदा रंगदारी चल रही। अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग करेगी तो तस्वीर बिल्कुल सामने होगी, क्योंकि जनता के हाथ में इस वक्त चाबी है जिसकी वो ताला बंद कर दे और जिसका ताला खोल दे। जनता के हाथ में इस वक्त सब कुछ है, वो आपको ताज और तख्त भी दे सकती है और वो आपको घर भी बैठाल सकती है। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, देवरी। Thank you.